जहां एक तरफ प्रदेश में बाल अधिकार संरक्षण आयोग बन गया है, वहीं राज्य सरकार तेजी से बाल सुरक्षा कानूनों को लागू करने में जुटी हुई है, लेकिन अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें की संरक्षण की आवश्यकता है। मेरा नाम है राजकुमार, मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ। खाना पीना भी मिलता है, 2 बजे लंच भी मिलता है। यहाँ सारा सामान हम लोगों ने पर सीखा हुआ बचपने से, तो यहाँ से बाहर भी जाता हूँ, बाहर भी कमा के लाता हूँ। तो वो ये जो हमारा पैसे पुसे मिलते हैं 4,500 ये बैंक में जाता है। हम लोग आए कार्ड बन रहा, अभी हमारी एक अंदिता दीदी वो आए कार्ड बनवा रही है, इसीलिए मेरे साथ मम्मी पापा नहीं थे, मम्मी पापा भी चले, इसलिए अपने खुद ही अपनी बुद्धि से अपना यहाँ पर से यहाँ पर काम कर रही मैडम लोग के साथ में, तो हमें अच्छा हुआ। यहाँ पर मिल खा गए, यहाँ पर हमें थोड़ा सा बहुत महसूस हुआ कि हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। सड़क से अच्छा तो यहाँ पर बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, यहाँ से सीधा राजपुर रोड जाएंगे, सारे बच्चे के साथ में मिलेंगे, हम भी बना बना के इसलिए थोड़ा सा दुकान खोलना चाह रहे कि हम लोग सारे बच्चे मिल के थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े, हम लोग नीचे न रहे सबसे आगे बढ़े, हमें भी कोई नाम तो होगा, कम से कम सारे बच्चे मिल के कोई अच्छा सा काम भी करा। थोड़ा हमें डांट वूट भी नहीं मिलती है, यहाँ पर सड़कों में रहते डांट मिलती थी, हम लोग कम से कम मैडम लोग साथ देंगे, उसी के साथ में हम लोग साथ बात रहते हैं। कितना बड़ा फ़ायदा हुआ मैम? बहुत बढ़िया फ़ायदा हुआ, कम से कम यहाँ पर आके ज़िंदगी सुधर गई मेरी। हम लोग पहले सड़कों में सोता था, इधर उधर से कुछ सोता था, तो हमारी सेला मैम आके यहाँ पर सारे बच्चे को थोड़ा मदद दिया, साथ दिया हमारा, तो कम से कम वो लोग पेंटिंग का तो इतना बढ़िया सारा सहारा मैंने, पहले तो मेरे को कुछ नहीं आता था, कम से कम यहाँ पे इसको सीख गया, मैं सब कुछ सीखा, सारे बच्चों को भी सिखाता रहता हूँ। मैं चाहती हूँ कि प्रदेश में जिस तरह से आसरा नामक संस्था ने इन अनाथ बच्चों को संरक्षण दिया है, उसी तरह अन्य बच्चों को भी संरक्षण मिले, ताकि ये भी अपने अधिकारों को पहचान सकें। इंडिया अनहर्ड और वीडियो वॉलंटियर के लिए मैं लक्ष्मी नौटियाल देहरादून उत्तराखंड से।